मैं दीपक गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा लेक्चर है ऑन द असाइनमेंट के ऊपर। ये असाइनमेंट में का जो है टॉपिक, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, मतलब ये जो समय एग्ज़ाम में आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर दिसंबर 12 में, फॉर क्वेश्चन नंबर 5A फॉर 10 मार्क्स। सम को देख के किसी तरह से लगता नहीं कि असाइनमेंट का समय, ओके क्लियर बोल रहा हूँ, सम को देख के किसी तरह से लगता नहीं कि असाइनमेंट का समय और एग्ज़ाम में आया, ओके। एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे अच्छे बच्चों की हवा डेड हो गई थी, ओके ये सम कैसे सॉल्व कैसे करें, ओके सम देखो रीड करता हूँ मैं। रेवेन्यू एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेटा इज गिवन बिलो फॉर डिफरेंट प्लांट्स एंड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, विच प्रोडक्ट टू बी प्लांट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट करो, ओके मेंशन भी नहीं किया है कि सॉल्व विद द असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो इसको मुझे सॉल्व करना विद द असाइनमेंट प्रॉब्लम के साथ, ओके बहुत ही सिंपल सम है। ये भी केस है मैक्सिमाइज का, ये कौन सा केस है, ये मैक्सिमाइज का केस है ये, ओके तो हम देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे। प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, प्लांट दिया है, ओके सेल्स रेवेन्यू दिया है 1, 2, 3 और उसका दिया है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली उसका। नाउ तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ तो एज वी नो प्रॉफिट मैक्सिमम मतलब क्या, प्रॉफिट दिखा आप, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कॉस्ट, सॉरी सेलिंग कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग और माइनस ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, दिया था ट्रांसपोर्टेशन तो, ओके देखिए दी यहाँ पे रुपीज 1000, ये भी रुपीज 1000, तो क्या करोगे आप बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पे प्लांट आएंगे, क्या आएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पे प्लांट आएंगे, और देखिए आपका मैट्रिक्स किसका बनेगा, आपका सिंपल एक मैट्रिक्स बनेगा 4x4 का, 1, 2, 3 के 4 यहाँ पे, ओके यहाँ पे आएगा ये प्रोडक्ट और ये यहाँ पे प्लांट, तो प्लांट 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, ओके नाउ क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 50 माइनस 49, क्या आएगा 50 माइनस सेल्स माइनस 1 to 1 करना है, 50 माइनस 49 यहाँ पे आएगा 1, ओके अलग यूज करता हूँ मैं समझेगा इसी में, तो ये जंबल हो जाएगा, ओके 1 देन 68 माइनस 60 यहाँ पे आएगा 8, देखो 2 और 2 मैच किया, 49 माइनस 45 ये आएगा 4, 62 माइनस 61 यह आएगा 1, 60 माइनस 55 यह आएगा 5, 70 माइनस 63 यह आएगा 7, 51 माइनस 45 यह आएगा आपका 6, 74 माइनस 69 यह आएगा आपका 5, ओके समझा आपको ये कैसे कर रहा हूँ मैं ना, उसी तरह यहाँ पे 55 माइनस 52 यह आएगा 3, 67 माइनस 62 यह आएगा 5, 53 माइनस 49 यह आएगा 4, 70 माइनस 68 यह आएगा 2, 58 माइनस 55 यह आएगा 58 माइनस 55 यह आएगा 3, 65 माइनस 64 यह आएगा 1, 54 माइनस 48 यह आएगा आपको 6, 69 माइनस 66 आएगा आपको 3, ओके समझ गया आपको, यह आ गया, यह आने के बाद सम बन गया आपको कौन सा, देन सम विल बिकम द मैक्सिमाइजेशन टाइप, क्या हो गया ये मैक्सिमाइज बन गया। मैक्सिमाइज होने के बाद आपको स्टेप पता है क्या करना है आपको, स्टेप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में, आपको क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में। मिनिमाइजेशन कैसे कन्वर्ट करोगे, चूज करोगे द मैक्सिमम वैल्यू चूज करोगे और उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या करोगे बाकी सबसे सेपरेट करोगे, ओके मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस सिलेक्टेड वैल्यू 1, 8, 4, 1, 5, 7, 6, 5, 3, 5, 4, 2, 3, 1, 6, 3 कौन सा वैल्यू बड़ा है, 8 इज द बड़ा वैल्यू, तो 8 माइनस 1, 7, 8 माइनस 1, 7, ओके इस तरह से आप लोग करोगे, तो देखिए इसका मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये होगा मिनिमाइज का मैट्रिक्स 7, 0, 4, 7,
थ्री वन टू थ्री फाइव थ्री फोर सिक्स फाइव सेवन टू फाइव। तो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप लोग परफॉर्म करोगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन करोगे ये आएगा ऐसा, रो ऑपरेशन। देन करोगे आप कॉलम ऑपरेशन। क्या करोगे कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करने के बाद करोगे आप लोग असाइनमेंट। ओके, मैंने इस पे बहुत सारे सम लिए। ओके, तो इस पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट देख लीजिए आंसर यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो करोगे असाइनमेंट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको आंसर मिल रहा है, क्या आ रहा है, एन इज इक्वल टू एन आ रहा है, तो आपको मिल गया यहाँ पे असाइनमेंट। ओके, मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या होगा, पॉलिसी प्लांट ए टू को जाएगा, प्लांट बी फोर को जाएगा, प्लांट सी वन को जाएगा, प्लांट डी थ्री को जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 22,000। ओके, यहाँ पे लोगे के साथ ए का वैल्यू यहाँ से लोगे। ओके, ये टेबल से, ओके ये टेबल से लोगे प्रॉफिट जो वैल्यू है। ओके, ये जो टेबल दिया ना यहाँ पे बनने के बाद, इसके बनने यहाँ से लेने का। ओके, मैक्सिमाइज में बच्चे गलती करते हैं कि वो मिनिमाइज का असाइनमेंट का जो मैट्रिक्स बनता है वो लेते हैं, वो नहीं करने का। आपको जो मैक्सिमाइज के लिए बना मैट्रिक्स है उसमें से लेना है। ओके, मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसमें से लेना है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आता है 22,000। ओके, सो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ द सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।